अभी अभी आपने सुना होगा धर्म संसद के नाम पर कुछ पाखंडी मौलवी, आप पहले पाखंडी पुजारी होते थे और पाखंडी मौलवी भी हैं, वो गद्दार हैं जमात के, दाढ़ियां भी हैं, टोपियां भी हैं और बड़े नामचीन नाम रखते हैं और पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने की बात करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, अभी एक महफिल बुलाई धर्म संसद के नाम पर, शायद हो सकता है खबरें नहीं देख रहे हो आजकल या पहुंची नहीं होंगी, अल्लाह करे कि ना ही पहुंचे, इसलिए कि दिलों के अंदर ऐसी चीजें पैदा हो जाती हैं, अल्लाह ही बचाए इन जालिमों की वजह से। ये जमात देवबंद के बड़े कायदीन उलमा की बात कर रहा हूं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और दर संसद बुलाकर पंडित भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बुलाया तो बुलाया, हमें इससे क्या है, जिसको बुलाना है सबको बुलाओ। लेकिन बैठे बैठे मौलवी साहब कहने लगे अल्लाह भी एक ही है, ओम भी एक ही है, जो अल्लाह कहेगा वो भी ठीक है, ओम कहेगा वो भी ठीक है, सब एक ही है। यही मैं कहता हूं कि कुछ को राजी करने के लिए उन्होंने किया तो स्टेज पर कि ये भी राजी हो जाएं, हुकूमत पर बैठे हुए कुत्ते थोड़े से हमें भी टुकड़े डाल दें, इसीलिए तो किया। लेकिन हुआ क्या, वहीं से छोड़ करके सारे चले गए और कहा मौली साहब तुम्हारे किस्से हम नहीं सुनेंगे, अल्लाह की पनाह तुम इनको राजी करने के लिए कहां से कहां गिर पड़े, कहां से कहां गिर पड़े, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसीलिए 100 साल पहले मेरे आला हजरत ने समझाया था, हाँ ऐ लोगों बेदार रहो, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहां वो चोर भला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की, हाँ ये वही चोर हैं, ये वही चोर हैं। आंख से काजल साफ चुरा ले, क्या मतलब है, काजल कोई चुराता है, काजल कोई चुराता है? पुलिस स्टेशन में जाकर पूछो क्या आपके पास अब तक कोई ऐसा केस रजिस्टर्ड हुआ कि कोई चोर जो है किसी का काजल चुरा के गया हो? शायद कोई थानेदार कहेगा कि नहीं ऐसा तो कोई केस नहीं आया, लेकिन यहां आता है केस। आला हजरत फरमाते नहीं है काजल चुराते हैं, आला हजरत ने इस्तियारा लिया, आंख से काजल साफ चुरा ले, इसका मतलब यह है मोमिन की आंख का काजल इश्क मुस्तफा हुआ करता है, ये सुरमे की बॉटल काजल की डिबिया नहीं मुराद है, हर मोमिन की आंख का काजल, आंख का सुरमा मेरे मुस्तफा का इश्क है और वो तुम्हारी आंखों में लगा हुआ है, और इस काजल को चुराने वाले चोर गली गली गठरी लेकर घूमते हैं और आते अल्लाह रसूल की बातें, अल्लाह रसूल की बातें कहां ले जाकर के छोड़ रहे हो। इसीलिए मेरे अजीजों, हमारे बुजुर्गों ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई थी कि बगोला जो है बहुत सफेद रहता है, बड़ा खूबसूरत दिखता है, एक बार नदी में आया और सर झुकाए बैठा था, तस्बीह पढ़ रहा था, मछलियां खुश हो गई, अल्लाह वाले आए हैं, अल्लाह वाले इतने सफेद हैं, इतने खूबसूरत हैं और सर झुकाए बैठे हुए सिर्फ तस्बीह पढ़ते हैं। छोटी छोटी मछलियां थी, नई नई मछलियां थी, उन्हें पता नहीं कि बगोला कैसे शिकार करता है, उन्हें मालूम नहीं। बड़ी मछली जो थी, बड़ी मछली को जब पता चला बगोला आया है, अंधा बगोला जिसको कहते हैं सफेद वाला, वो आया है, छोटी मछलियां दौड़ी दौड़ी जा रही, चलो जियारत के लिए हजरत आए। बड़ी मछली ने समझाया नहीं मियां, ये तो चोर है, ये चोर है, ये डाकू है, जाओगे उछक ले जाएगा। सब बुरा भला कहने लगी, ये अम्मा ये दादी ये पुराने ख्यालात की हैं, इनको क्या मालूम अल्लाह वालों को बुरा कहती है, हाँ ये अपने घर में रहती हैं, बूढ़ी हो गई हैं, अल्लाह वालों को गालियां देती, कितने सफेद हैं, कितने शरीफ, आंखें बंद किए हैं, तस्बीह पढ़ रहे, सर झुकाए। बूढ़ी मछलियां बोलती रह गई, छोटी मछलियां समझ ना पाई, कहा कि ये सब पुराने जमाने के ख्यालात हैं, हम तो कदम बोसी करके आएंगे, हम तो हाथ छूम के आएंगे। छोटी छोटी मछलियां आई कदम बोसी करने के लिए अंधे बगोले के पास, जब करीब आई कदमों के पास, बगोला छोंच मारा, सबको उठाकर ले गए, इस मछली को उस मछली को, जो जो छोंच में आई उठाकर भाग गया। बची हुई मछलियां आई और अम्मा से कहने लगी सच कहती थी आप, सच कहती थी। मेरे अजीजों, बुजुर्ग यही तो समझाते थे आप सबको कि आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर भला के हैं। हमारे नौजवान कहते नहीं, अल्लाह वालों को आप बुरा बुरा कहते हैं, ऊपर से नीचे तो सफेद लिबास पहने रहते हैं, आप बगोले की तरह है, लेकिन हम कहते हैं ठोक मार कर ले जाएंगे। इसीलिए परखना है किसी को तो जुब्बे टोपी से मत परखो, परखना है किसी को तो दाढ़ी टोपी से मत परखो, अगर किसी के कपड़े फटे हुए हो, बड़ा गंदा लिबास हो, सीना इश्के नबी से भड़क रहा हो, वो हमारे अखर का ताज है।
वो हमारे सर का ताज है, बल्कि हम उसके कदमों में जान लुटाने को भी तैयार हैं। परखना हो तो हुब्बे मुस्तफा पे परखो, अगर दिल में इश्क मुस्तफा है तो हमारा इमाम है। इसी को मुर्शिद गिरामी हुजूर ताज शरिया रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, इधर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। मेरे अजीजों बात इधर उधर ना जाए, ये धर्म संसद के कुत्तों को छोड़ दो और फिर अलल ऐलान ये कहो, जालिमों तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। हमें हर जगह अल्लाह अकबर ही सिखाया गया है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उन जालिमों को इतना भी नहीं पता ओम और अल्लाह को मिलाने के लिए बैठ गए, हमें तो इतना पता है हम जब दुनिया में आए थे कान में सबसे पहले जो जुमला पड़ा अल्लाह अकबर, सबसे पहला जुमला जो पड़ा वो क्या था अल्लाह अकबर। और फखर से ये कहते हुए भी जाएंगे, कान खोल कर सुन लो, मरेंगे भी तो जनाजे पर इमाम सबसे पहले जुमला जो कहेगा वो अल्लाह अकबर ही होगा। हम आए थे अल्लाह अकबर कहते हुए, जाएंगे भी अल्लाह अकबर कहते हुए। न जाने इन जालिमों के कान में किसने क्या भोंका था, हमें नहीं पता, हमें तो अल्लाह अकबर कहा गया था, इनके कानों में किसने क्या भोंका था मालूम नहीं। वही जुमले आज यहां कहते आ रहे हैं। और ये हकीकत है कि अल्लाह ताला मुनाफिक को ज्यादा देर तक छुपने नहीं देता, जाहिर हो जाता है। लोगों पहचान लो ये दीन के दलालों को, गद्दारों को, मुनाफिकीन को, और अपने आप को उनसे अलग करो। और उनको अगर ये लगता है आज जो सकता में उसके पीछे चलना चाहिए, उसकी हमदर्दी लेने के लिए थोड़ा बहुत उसके झंडे भी लहराना चाहिए, उसकी जमात में भी जाना चाहिए, थोड़ा उनकी दावत भी करना चाहिए, इसलिए कि माहौल उनका है, माहौल उनका है। जो इस तरह की बात कहते हैं उनको मुंह पे कहो गिरगिट हो तुम, गिरगिट हो, जैसा रंग वैसा तुम्हारा चेहरा बदलता है। अल्लाह का शुक्र है, करोड़ा शुक्र है, हम जिस कौम से वाबस्ता है अहले सुन्नत व जमात, हमारी तारीख है कि हम कभी बिकने वालों में नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास असलाफ की कुर्बानियां हैं, हम तो अपनी चमड़ियां भी छिलवा लिए, हमारे बुजुर्ग फांसी के फंदे पर भी झूल गए, लेकिन अपना दीन नहीं बेच करके गए, बल्कि हर जगह हर जमाने में ये ऐलान करते गए। किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। यही दरवाजा रहमत है जो रब तक तुम्हें पहुंचाने वाला है। और शॉर्टकट भागने की कोशिश करोगे तो कटी पतंग न जाने कहां गिर जाओगे, न जाने कहां गिर जाओगे। और हमने देखा है जिनकी डोर कटी हुई है आज वो बेचारे किसी की धोती में किसी